दोस्तों, प्रकाश राज जवान देखने पहुंचे और फिल्म देखने के बाद जो बयान दिया उसको सुनने के बाद आप भी हिल जाएंगे। दोस्तों, प्रकाश राज कहते हैं, लोगों ने जब पठान को बॉयकॉट किया था तो उस फिल्म ने 1000 करोड़ कमाई थे, और वहीं अब जवान को भी बैकआउट करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन ये फिल्म बैकआउट ना हो सकी क्योंकि ये फिल्म एक सामाजिक संदेश को काफी ज्यादा अच्छे से लोगों तक पहुंचाती है। प्रकाश राज कहते हैं, बायकॉट वाले सरफ शाहरुख खान की मूवीज को बायकॉट करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे कुछ हो नहीं पाता। दोस्तों, जवान फिल्म के अंदर जिस तरीके से सामाजिक संदेश को दिया गया है वो काफी ज्यादा मशहूर हो चुका है, और कहीं बड़े नेता और क्रिटिक्स भी इसके ऊपर बात करते हुए नजर आते हैं। वहीं प्रकाश राज ने जवान फिल्म देखने के बाद शाहरुख खान की जमकर तारीफ की और बोला कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए जिससे कि लोगों में काफी ज्यादा अपने वोट के दुरुपयोग की जो कमी है वो पूरी हो जाए। और वहीं इस फिल्म ने दुनिया भर के अंदर ताबड़तोड़ कमाई करके इतिहास रच लिया है, और जल्द ही ये फिल्म 1000 करोड़ से ज्यादा कमाई कर लेगी। जवान का तूफान कहीं भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, और ये एक आंधी बन चुकी है जो कि अपने बीच आने वाले हर एक रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ा रही है। शाहरुख खान ने पठान के बाद जवान से जो तबाही मचाई है उसको देखने के बाद सबके होश उड़ गए हैं, और लोग इसको 5 से 6 बार देखने थिएटर पहुंच रहे हैं। शाहरुख खान के विक्रम राठौड़ वाले अवतार ने सबको दीवाना बना दिया है, और डायरेक्टर एटली कुमार की इस मूवी को हर कोई दिल से देखना पसंद कर रहा है। जो तबाही शाहरुख खान की फिल्म जवान ने मचाई है वो आज से पहले किसी भी बॉलीवुड की मूवी ने नहीं मचाई थी। दुनिया पूरी शाहरुख खान की जवान के ऊपर नजरें टिकाए बैठी है, तो ओवरसीज के अंदर भी इस मूवी का कोई तोड़ नहीं, कोई बराबरी नहीं। जवान का तूफान कहीं भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, और अपने बीच में आने वाले हर एक रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ा रहा है। आपने जवान मूवी कितनी बार देखी है कमेंट में लाजमी लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।